अब आप कौन सा भी विजुअल आर्ट्स का फॉर्म ले लीजिए, चाहे वो पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो या फिल्म मेकिंग हो, इन सभी चीजों का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है लाइटिंग और कलर्स। अभी बहुत लंबे समय से फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स अलग अलग लाइटिंग टेक्निक्स, अलग अलग कलर्स का इम्प्लीमेंट करते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, एक थीम सेट करने के लिए, एक मूड सेट करने के लिए। अब हर कलर आपके व्यूअर के माइंड में एक अलग इमोशन जगाते हैं, जिसे हम कहते हैं कलर साइकोलॉजी। ये कलर साइकोलॉजी का टॉपिक गहराया मूवी से भी ज्यादा गहरा है, तो इस वीडियो में हम उसे कवर नहीं करेंगे। पर अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो जैसे रेड कलर सिग्निफाई करता है डेंजर या लव, येलो कर सकता है होप या मैडनेस, ग्रीन कर सकता है नेचर डिस्ट्रक्शन, और ब्लू कर सकता है काम, एंड सिमिलरली हर कलर एक अलग इमोशन पोर्ट्रे कर सकता है। पर इसे छोड़ देते किसी और वीडियो के लिए, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं आप किस तरह से कलर्स का यूज करके सिनेमैटिक लाइटिंग कर सकते हैं। अब जिसके पहले हम प्रैक्टिकली शूट करना शुरू करें, थोड़ी सी थ्योरी समझना जरूरी है। अब जब हम लोग कलर्स को समझने की बात करते हैं, हम सभी का एक बेस्ट फ्रेंड है, वो है ये महाशय ओवर हियर, जिसे हम कहते हैं द कलर व्हील। अब ये कलर व्हील बनता है तीन प्राइमरी कलर्स से, वो है येलो, रेड और ब्लू, और उनके आजू बाजू जो कलर्स है उन सब की प्लेसमेंट फिक्स्ड है। अब आप अगर मुझे पूछोगे ऐसा क्यों, डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, क्या फर्क पड़ता है, वैसा ही है, सालों से लोग फॉलो करते आ रहे हैं, लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। अब हम ये कलर व्हील का यूज करके अलग अलग कलर स्कीम्स क्रिएट कर सकते हैं। इन कलर स्कीम्स से आपको ये पता चलता है कि कौन सा कलर आपको किसके साथ यूज करना है और किस तरह से आप सबसे अपीलिंग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अब वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन कलर स्कीम इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब जिस तरह हम सभी की जिंदगी कॉन्ट्रास्ट से भरी हुई है, यानी कि अगर एक हीरो है तो एक विलेन है, जमीन है तो आसमान है, ब्लैक है तो व्हाइट है, इसी तरह कलर व्हील पे अगर रेड है तो ग्रीन है। सिंपल लैंग्वेज में कलर व्हील पे जो कलर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। अब ये टेक्निक आपको बहुत से मूवीज में, बहुत सारे मूवी पोस्टर्स में दिखेगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑरेंज एंड टील, ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है और आपको बहुत सारे मूवीज में ये सेम टेक्निक दिखेगी। अब रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी लूट लपेटा, ऑल्दो मूवी की कहानी इतनी चटपटी नहीं थी बट उसकी सिनेमाटोग्राफी देखने जैसी है। आई डोंट थिंक मैंने आज तक कौन सी भी हिंदी मूवी देखी है जहां पे कलर्स का इतना खूबसूरती से उन्होंने यूज किया हुआ है। तो मेक श्योर ये वीडियो के बाद आप जाके वो थोड़ी सी वो मूवी देखें जस्ट टू सी द कलर्स एंड सिनेमाटोग्राफी। बट ये तो हो गया एक टाइप का कलर स्कीम जो है कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स है जैसे कि मोनोक्रोमैटिक, एनालॉगस, बट उन पे हम लोग आज वीडियो नहीं बनाने वाले हैं। इन केस यू ऑल वांट अ वीडियो ऑन दैट, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई वुड लव टू मेक वन। बट इसी के साथ हमारा कलर्स का सेक्शन तो खत्म होता है, अब आ जाते हैं टू द सेकंड सेक्शन, वो है लाइटिंग। अब आपकी लाइट की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू सेटिंग द मूड और थीम ऑफ योर वीडियो। अगर आप लाइट नीचे से प्लेस करते हैं तो एक बहुत स्केरी और इवल लुक रेडी होता है, क्योंकि ये एक बहुत अननेचुरल वे है लाइटिंग का। मोस्ट ऑफ आर नेचुरल लाइट सोर्सेज ऊपर से आते हैं, यानी कि जो सन रहता है या लाइट्स रहते हैं हमारे घर के अंदर, और इसलिए नीचे से प्लेस करने पर ये एक स्केरी लुक देता है। अब आप अगर अपनी लाइट बहुत ऊपर से प्लेस करते हैं ये भी आपको थोड़ा सा एक स्केरी लुक देता है, क्योंकि आपके सारे जो फेशियल फीचर्स रहते हैं उनकी शेडोज आपके आंखों के नीचे, नाक के नीचे आ जाती है, विच डजंट लुक वेरी गुड बट आर वेरी यूजफुल फॉर ड्रामेटिक सीन्स। मतलब अगर कोई पूछताछ वाला सीन है या बहुत सीरियस सीन है तो ये काफी यूजफुल आ सकता है। बट मेरे हिसाब से द बेस्ट वे यू कैन लाइट योर सेल्फ इज फ्रॉम द साइड, जिस तरह से मैंने अभी किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा सॉफ्टबॉक्स यहाँ पे है, एक 45 डिग्री एंगल पे। दिस इज द बेस्ट वे टू लाइट मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे आपके फेस को बहुत ज़्यादा डायमेंशन मिलता है। एक साइड पे शेडोज आ जाते हैं, एक साइड पे हाईलाइट्स आ जाते हैं, गिविंग यू अ वेरी नेचुरल एंड ड्रामेटिक लुक। बट इसी के साथ हमारा थ्योरी सेक्शन तो खत्म होता है, अब थोड़ा फन करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो अभी थ्योरी तो काफी सीख लिए, अब शुरू करते हैं विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। आप किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज करके अच्छी सी सिनेमैटिक फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग कर सकते हैं। सो एज यू ऑल कैन सी, मेरे पास यहाँ पे दो लाइटिंग सेटअप है। यहाँ पे मेरे पास मेरा सॉफ्टबॉक्स है जो मैंने जो क्या बोलते हैं उसको, बड़े छत छाते को, हाँ, सॉफ्ट बॉक्स से निकाल दिया। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ लाइट है, यहाँ पे मेरे पास एक एलईडी है, एंड द वे हम लोग कलर्स को जनरेट करने वाले हैं दैट इज यूजिंग दीज जेल पेपर्स, जो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल सकते हैं अलग अलग कलर्स में। तो मेरे पास ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, एंड या यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ कलर्स इन इट। ओके, तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट कलर स्कीम, और वो है ग्रीन और रेड, जो कलर व्हील पे एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं, यानी कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। सो मैं यहाँ पे छोटा सा जेल पेपर ले लूँगा कुछ इस तरह से, इसमें सीधा नहीं देखना, एंड मेरे पास यहाँ पे जो कपड़े सुखाते हैं वो क्लिप है, सो आई एम जस्ट गोना क्लिप इट डाउन ओवर लाइक दिस। और रेड किधर गया, और ये लाइट पे मेरे पास रेड है तो मैं रेड का यूज करके और एक चीज आपको समझनी है कि मेरे पास ये LEDs है इसलिए मैं इनका यूज कर रहा हूँ, बट डजंट मीन आपको भी ये महंगे लाइट्स की जरूरत है। आप बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स इसका भी यूज कर सकते हैं जो मार्केट में बहुत सस्ते मिलते हैं, आप उनके ऊपर ये जेल पेपर लगा सकते हैं टू क्रिएट अ सिनेमैटिक लुक।
गाइस कैसे लगे ये वीडियोस और फोटोज, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई एब्सोल्युटली लव देम. एंड या यही था मेरा पूरा एपिसोड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स एंड लाइटिंग और इस तरह से आप इनका यूज करके एक ड्रामेटिक और सिनेमैटिक रिजल्ट अचीव कर सकते हैं. बट इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो खत्म होता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो.